मिस्र में एक अदालत ने माजूद सदर मोहम्मद मुर्सी को जासूसी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाले मिस्र के पहले सदर को फौज ने 2 बरस पहले माजूल कर दिया था और वो इख्वान मुस्लिमून के उन सीनियर रहनुमाओं में शामिल हैं जिन पर मुख्तलिफ मुकदमात चलाए जा रहे हैं जिनमें मुमकिन तौर पर सजाए मौत भी दी जा सकती है। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में जमात इस्लामी के एक रहनुमा को सुनाई गई सजाए मौत को बरकरार रखा है। उन्हें सन 1971 की जंग आज़ादी के दौरान कत्ल और तशद्दुद जैसे जराइम के इल्ज़ाम में 2 बरस पहले सजाए मौत सुनाई गई थी। इंडोनेशिया में सिनाबोंग के आतिशफिशां के करीब रहने वाले हजारों लोग अपने घर बार छोड़ रहे हैं। इस पहाड़ से गुज़श्ता कई दिन से खौलती हुई राख खारिज हो रही है। सन 2010 से पहले 400 बरस तक ये आतिशफिशां खामोश था। कसीर कौमी कंपनी नेस्ले का कहना है कि इंडिया में महकमे खुराक के हुक्काम की पाबंदी के बाद वो $5 करोड़ मालियत के मैगी नूडल्स ज़ाया कर देगी। इंडिया में मिनटों में तैयार हो जाने वाले नूडल्स में सीसे की बहुत ज़्यादा मकदार पाए जाने के बाद इन पर पाबंदी आयद कर दी गई है।